एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर के होटम प्रशासनीय भवन में 71वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड में निम्स सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी और निम्स इंटरनेशनल स्कूल के स्काउट गाइड के छात्रों की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर सिंह ने न्यूज इंडिया से वार्ता में कहा कि देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में निम्स इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने लघु नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के संयोजक और निम्स विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉक्टर दुष्यंत सिंह, डॉक्टर आर एस वर्मा, डॉक्टर सुनील पांडे और सभी प्राचार्य, शिक्षक स्टाफ और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी देशवासियों को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा इस 71वें गणतंत्र दिवस की, और इसके साथ ही मैं उम्मीद करूँगा कि सभी भारतवासी अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के लिए भी उतने ही जागरूक रहें। आज 71 साल हो गए हैं जबकि भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। भारत का संविधान, जो कि दुनिया का एक सबसे लचीला और एक सबसे बड़ा संविधान है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना था। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, जो कि पूरे भारत के सभी धर्म, सभी संप्रदायों, सभी जाति और सभी बिरादरी को एक साथ पिरोने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान हिंदुस्तान को दिया जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की टीम ने 11 महीने और 18 दिन तक की अथक मेहनत की। महात्मा गांधी का एक सपना था कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसी हरिजन को देखना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूर्ण रूप से साकार ना हो सका उस समय। हालांकि फिर भी ये सपना कुछ साकार हुआ जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की कमेटी की अध्यक्ष के रूप में ये कार्य किया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या ये जो संविधान उन्होंने हमें दिया है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसकी गरिमा को मेंटेन रखें और आज अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह करें। इसी के साथ मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ इस रिपब्लिक डे पर सभी देशवासियों को। कोई भी डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो हमेशा उसके दो पहलू होते हैं और उसकी रिएक्शंस भी दो टाइप से आती है। कुछ लोग उसका हमेशा समर्थन करेंगे और कुछ उसका विरोध। इसका रीज़न ये है कि एक किसी भी डिसीजन के हमेशा मैनीफोल्ड इफेक्ट होते हैं। कुछ इफेक्ट उसके ऐसे होंगे जो कि व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि जो देश को, एज ए नेशन, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो देश के हित में है वो अच्छा है और वो हमसे सबसे ऊपर सर्व सर्व पर ही है। आज पूरा देश 71वां गणतंत्र दिवस